कई दफा तो ऐसा लगता था कि काश तकलीफें और आजमाइशें ना होती। फिर जहन में ख्याल आया कि नहीं, जिन लोगों ने इतनी तकलीफें देखी, हर आने वाली मुश्किलातों को फेस किया, जिंदगी के हर मोड़ पे आजमाइशों का सामना किया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, देन हाउ कैन आई लूज होप। वो कहते हैं ना कि एक दिन कचरे की जगह जरूर बदल दिए, फिर भी तुम तो इंसान हो। एक बात मैंने अपने काबिल एहतराम टीचर से सीखी है कि एक दिन ऐसा वक्त जरूर आता है कि हालात कमजोर कर देते हैं, हम अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, पर उस वक्त हमें कमजोर नहीं होना बल्कि खुद को मजबूत रखना है, हालात को फेस करना है, कभी कमजोर नहीं होना। और इजीली हार वही लोग मान जाते हैं जो लोग मुकाबला करने से डरते हैं। There be wars within you. That's how you will know that how strong you are. अगर जिंदगी में तकलीफें और आजमाइशें ना होती तो जिंदगी में मजा नहीं रहता, क्योंकि लाइफ इज अ नेम ऑफ सॉरोस एंड जॉयस। लाइफ में हर किसी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जिसे वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और जिसका कोई मकसद नहीं होता उसकी लाइफ बेमकसद और बेमतलब होती है। देखा जाए ख्वाहिशें और ख्वाब सबके बड़े होते हैं, उन्हें हकीकत में बदलने वाला वही शख्स होता है जिसे खुद पर यकीन होता है, खुद पर एतमाद होता है, वरना ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाते हैं। The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it.